हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन में आप लोग हिडन ऐप्स को कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको हाइड किए हुए ऐप्स को ओपन करना है। अगर आपने जो है इस फ़ोन में कुछ ऐप्स को जो है हाइड करके रखा था, छिपा के रखा था, अभी जो है आपको उन ऐप को चलाना है, तो कैसे आप लोग जो हिडन ऐप को ओपन करेंगे, कैसे हिडन ऐप को जो है आप लोग अनहाइड करेंगे, फिर से ऐप लिस्ट में यहाँ पर लाएंगे, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिडन ऐप को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस ऐप लिस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐप देखने को मिलेगा गाइस फ़ोन मास्टर का, तो इस फ़ोन मास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे एक टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्स हाइट का। एक्स हाइट पे क्लिक करेंगे और अपने इस हिडन एल्बम का जो ये पासवर्ड है इसको डालेंगे। डालते ही हिडन ऐप्स का ऑप्शन आएगा, हिडन ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाइड किए हुए ऐप्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी ऐप आपको चलाना है, ओपन करना है, उस पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करते ही वो हिडन ऐप ओपन हो जाएगा और आप लोग अभी चला सकते हो, देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐप को अनहाइड करना है तो यहाँ पर ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है कौन सा ऐप आपको अनहाइड करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से एक्सपोर्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो ऐप है गाइस वो अनहाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन में आप लोग हिडन ऐप को ओपन कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।